बैक्टीरिया के टॉपिक को हम पढ़े थे और बैक्टीरिया के टॉपिक के अंदर हमने बैक्टीरिया के जो सेल स्ट्रक्चर है उसको देखा था, बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स जो होती हैं उनको देखा था. इसके अलावा हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, इन तमाम चीज़ों को बैक्टीरिया के अंदर देख लिया था, पढ़ लिया था. आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप्स पाई जाती हैं रिप्रोडक्शन के लिए, टू टाइप्स. और वो कौन सी टाइप्स हैं? एक कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी कहलाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वन बाय वन हम इन दोनों टाइप्स को देखते जाते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, बेसिकली इसमें ये होता है कि सेल जो है वो स्प्लिट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सेल स्प्लिटिंग. और सेल सिंपली स्प्लिट होकर दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, इस प्रोसेस को स्प्लिटिंग का या टूटने का जो प्रोसेस है इसे हम फिशन भी कहते हैं. ठीक है, फिजिक्स में भी आपने ये टर्म पढ़ी होगी फिशन की. फिशन क्या है, बेसिकली टूट जाने के प्रोसेस को हम फिशन कहते हैं. बैक्टीरिया के केस में होता यह है कि एक बैक्टीरिया का जो सेल है वो डिवाइड होता है और उससे दो डॉटर सेल, यानी कि एक बैक्टीरियल सेल है इससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं, दो सेल्स बनते हैं न्यू. तो इस केस में हम इसको कहते हैं बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन. ठीक है, अच्छा यहाँ पे होता यह है कि जो पेरेंट सेल है, जो हमारे पास एक सेल होता है शुरू में उसे हम कहते हैं पेरेंट सेल, और जो दो नए सेल्स बनते हैं इसको हम कहते हैं, इनको कहते हैं डॉटर सेल्स. ठीक है, अब ये जो डॉटर सेल्स हैं इनका जो डीएनए है वो एग्जैक्टली सेम होता है इनके पेरेंट्स की तरह का. ठीक है, और नॉर्मली हम जब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है. ठीक है, हैप्लॉइड होता है बैक्टीरिया, इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है. और जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके अंदर भी सिंगल क्रोमोसोम ही होता है. लेकिन यहाँ पर यह चीज़ इतनी जरूरी है कि जैसे कि हम जानते हैं कि सेल डिवीजन का हमारे पास प्रोसेस होता है माइटोसिस. ठीक है, माइटोसिस को आप जानते होंगे. माइटोसिस के अंदर भी हम देखते थे कि उसके अंदर भी जो डॉटर सेल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया की जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस से टोटली डिफरेंट है. ठीक है, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना माइटोसिस से. बैक्टीरिया के अंदर माइटोसिस नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर सिंपल जो है वो बाइनरी फिशन का प्रोसेस हो रहा है. बाइनरी फिशन है क्या, इसको हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज हम इसको मजीद देख लेते हैं. हमने कहा था कि डिफरेंट सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, या डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसके अंदर एक जो बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड होकर दो सेल्स में यानी कि कन्वर्ट हो जाता है, बढ़ जाता है. ठीक है, इसके स्टेप्स क्या हैं, फर्स्ट बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो इसके डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, फर्स्ट स्टेप में हम कहते हैं कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाता है. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट्स, डीएनए रेप्लिकेट होता है, इसका मतलब है कि डीएनए जो है वो डबल हो जाता है. इस डबल होने से होता क्या है, बेसिकली जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है, और अलग होके होता क्या है कि वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो टू क्रोमोसोम्स मूव अपार्ट, एक दूसरे से अलग होके दूर दूर चले जाते हैं. थर्ड स्टेप में ये होता है कि एक सेपरेट न्यूक्लियर रीजन बन जाता है, सेपरेट न्यूक्लियर रीजन. ठीक है, एक दरमियान में, सेल के दरमियान में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो सेपरेट होने लगता है. इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है उसके अंदर ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के सेल के बाहर की साइड पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अंदर. ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है कि वो अंदर की तरफ पुश होती है. ठीक है, इसे भी हम मेंशन कर देते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुश इनवर्ड. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पुश होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में उसमें क्या होता है कि जो सेल वॉल है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है वो अंदर की तरफ ग्रो करने लगती है. ठीक है, इसे भी हम मेंशन कर देते हैं, सेल वॉल ग्रोस इनवर्ड, अंदर की साइड पे सेल वॉल जो है वो ग्रो करने लगेगी. और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लास्ट स्टेप है और वो है डॉटर सेल बनने का. ठीक है, इसमें क्या होगा कि न्यू डॉटर सेल्स बन जाएंगी, न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. इसको अगर हम एक डायग्राम की सूरत में देखें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा उसको समझना.
अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक सिंगल सेल है बैक्टीरिया का, उसके अंदर क्या हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो क्रोमोसोम्स बन गए हमारे पास, ठीक है। और फिर क्या है, फिर हम देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, हमने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, वो अंदर की तरफ मूव करती है, ठीक है, वो पुश होती है इनवर्ड। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो इसके बाहर की सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल वॉल है। अच्छा, इस फिगर के अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने कहा डीएनए रेप्लिकेट होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यह है कि दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग अलग होने लग जाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड पुश होगी, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल जो है वो अंदर की तरफ ग्रो करेगी, और एंड पे क्या होगा कि न्यू डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस बाइनरी फिशन के प्रोसेस को देख सकते हैं। अच्छा, जब एक सेल जो है वो डिवाइड हो गया है, दो नए डॉटर सेल्स बन गए हैं, इसके बाद अब ये जो डॉटर सेल्स बने हैं ये भी मज़ीद आगे से डिवाइड करने लगेंगे, ठीक है। अभी तो ये न्यू न्यू बने हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़े से टाइम के बाद ये भी मज़ीद आगे से डिवाइड होंगे और इनके भी ये फिर पेरेंट सेल बन जाएंगे और फिर इनसे इनके आगे से मज़ीद कुछ डॉटर सेल्स बनते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वो टाइम जिसके अंदर एक सेल, जैसे कि अभी हमारे पास ये न्यू सेल बना है ना, ये दो न्यू सेल्स बने हैं, वो टाइम जब जिसके अंदर एक सेल के बनने के बाद दोबारा से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए उसको कहते हैं जेनरेशन टाइम, ठीक है। इसे हम मेंशन भी कर देते हैं, जेनरेशन टाइम, ठीक है। और ये क्या टाइम, ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब बैक्टीरिया की एक जनरेशन हमारे पास बन गई है और इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट जो बैक्टीरिया के अंदर डिवीजन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं जनरेशन टाइम। नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर जो जनरेशन टाइम है डिफर करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो जनरेशन टाइम है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि नॉर्मली अगर हम हमारे पास जो इस चर्चिया कोलाई है जिसके एग्जाम्पल को हम अक्सर देखते हैं, इस चर्चिया कोलाई, इस चर्चा को लाइन के अंदर जो जनरेशन टाइम है वो 20 मिनट्स का है, ठीक है। यानी कि अगर एक सेल डिवीजन होगी उसके बाद 20 मिनट्स लगेंगे और फिर दोबारा सेकंड जो डिवीजन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जबकि कुछ और बैक्टीरिया हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके अंदर जो जनरेशन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तकरीबन 24 आवर्स लग जाते हैं दोबारा से रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेल टू सेल या स्पीशी टू स्पीशी जो है वो जनरेशन टाइम डिफर करता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम फैक्टर है। वो किस तरह से कि जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जब रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तभी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। यानी कि नॉर्मली बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ एक खास अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, इन सब चीज़ों को हम लिखते जाते हैं। अदर फैक्टर्स क्या हैं, हमने कहा कि बैक्टीरिया को अप्रोप्रिएट एक तो कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसके अलावा टेम्परेचर चाहिए, एक खास टेम्परेचर होता है जब भी बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसके अलावा पीएच जो है वो जो बैक्टीरिया की रिक्वायर्ड पीएच है वो होगी तभी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, उसके अलावा कुछ और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये तमाम चीज़ें कंबाइन होती हैं तभी जाके हम इसका जो जनरेशन टाइम है या बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है उसको देख सकते हैं। इसके एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, हम जानते हैं कि हमारे पास जब दूध होता है, दूध से हम अक्सर दही बनाते हैं, ठीक है, योगर्ट जब बनता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली घरों में अगर दूध बनाने के प्रोसेस को से अगर आप वाकिफ़ हों, उसमें क्या किया जाता है कि दूध को रख दिया जाता है गर्म करके और उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट जो है वो प्रीवियस जो योगर्ट है उसकी डाल दी जाती है और उसको फिर कवर करके रखते जाता है। अब अगर आप किसी बड़े से पूछें तो वो आपको मशवरा देंगे कि अगर आप दूध को गर्म करके रखें और उसको ढक के रखें तो जो दही है वो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे करें कि वही जो आपने दूध के अंदर थोड़ा सा योगर्ट डाल के रखा है, अगर आप उसको फ्रीज़र में रख दें तो क्या होगा कि दही शायद बन जाए, शायद बने भी ना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो क्या है, वो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट्स की जो बात हमने की है वो यहाँ पे ये बात आके फिट होती है कि हमने कहा कि एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए जब भी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये जो जनरेशन टाइम है ये कम या ज़्यादा
भी हो सकता है, और ये चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, पीएच एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम अच्छा यहाँ पे आके हमने देख लिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने कहा था कि बाइनरी फिशन आता है, और फिर बाइनरी फिशन के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब बैक्टीरिया के अंदर होती है तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। इसमें होता यह है कि दो बैक्टीरिया के जो डीएनए हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, डीएनए ऑफ टू बैक्टीरिया कंबाइन, और कंबाइन करके क्या करते हैं कि एक न्यू टाइप बनाते हैं, ठीक है। ये जो न्यू टाइप है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए से कहेंगे हम, या उस ऑर्गेनिज्म को हम एज इन इटसेल्फ रिकम्बिनेंट सेल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो रिकम्बिनेशन का प्रोसेस है बैक्टीरिया के अंदर जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हैं, ये डिफरेंट तरह से हो सकता है, ठीक है। रिकम्बिनेशन, और हमने कहा कि ये डिफरेंट तरह से हो सकता है। डिफरेंट तरह से किस तरह से हो सकता है कि डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट तरीकों में हमारे पास कॉन्जुगेशन आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास ट्रांसडक्शन आ जाता है, और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कैरी ऑन होता है। वो किस तरह से होता है, वन बाय वन हम इन तीनों को देखते जाते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्जुगेशन को। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि दो बैक्टीरिया जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने जो जेनेटिक इनका मटेरियल है, डीएनए है, वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है वो एक तरह के यानी कि सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के अंदर होता है, सेम बैक्टीरिया या फिर हमने कहा कि closely related species के बीच between जो है इनके बीच conjugation का process होता है, closely related species। और इनके अंदर होता क्या है, इनको भी हम steps के form में देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। सबसे पहला step क्या होता है कि दो bacteria जो कि different जिनकी mating types होती हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है। two bacteria with different mating types come closer। अच्छा, एक दूसरे के करीब आने के बाद होता ये है कि इनके अंदर जो पिलाई, हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया के बाहर की साइड पर हमने कहा था कि बैक्टीरिया के ऊपर पिलाई एक स्ट्रक्चर होता है जो कि पाया जाता है, पिलाई, ठीक है। और पिलाई हमने कहा था कि इसके दो काम होते हैं, एक तो ये डिफरेंट सर्फेसिस के साथ अटैच करने में हेल्पफुल होता है, और दूसरा बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है उसमें हेल्पफुल। अब ये वो जो कॉन्जुगेशन वाला प्रोसेस है वो यहाँ पे हम देखेंगे, होता ये है कि पिलाई जो है, एक पिलाई जो है वो कहलाता है सेक्स पिलाई, ठीक है, जिसे हम सेक्स प्लस, सिंगुलर को प्लस बोलेंगे, ठीक है। सेक्स प्लस जो है वो क्या करेगा कि वो एक ब्रिज बना देगा दो बैक्टीरिया के दरमियान, ठीक है, विल फॉर्म अ ब्रिज, ठीक है, हमारे एक ब्रिज बन गई दो बैक्टीरिया के दरमियान। अब ब्रिज के थ्रू ये होगा कि दो बैक्टीरिया अपना जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, हमारे पास दो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इन दो में से एक बैक्टीरिया कहलाता है डोनर और एक कहलाता है रेसिपिएंट, ठीक है। क्या हमने कहा, एक कहलाएगा डोनर और एक है रेसिपिएंट। अब डोनर रेसिपिएंट क्या है, जैसे कि थोड़ा सा नाम से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है, डोनर क्या है, ये वो बैक्टीरिया है जो कि अपना डीएनए देगा, ठीक है, डोनेट करेगा। और रेसिपिएंट क्या है, ये वो बैक्टीरिया है जो कि डोनर से डीएनए रिसीव करेगा, ठीक है। तो जो थर्ड प्रोसेस है हमारे पास यहाँ पे, थर्ड स्टेप है, उसमें क्या होगा कि डोनर जो है वो अपना डीएनए रेसिपिएंट को देगा, डोनर गिव्स डीएनए टू रेसिपिएंट, ठीक है। अब ये डोनर और रेसिपिएंट जो हैं ये क्या है, ये हमारे पास दो सेल्स हैं बैक्टीरिया के जिनके दरमियान में कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हो रहा है।
तो ये अच्छा इसके बल्कि एक काम करते हैं कि इसके भी साथ हम एक फिगर देख लेते हैं ताकि इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। अच्छा ये एक इमेज मैंने इंटरनेट से ढूंढा, इसके अंदर आपको कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है वो दिखाया जा रहा है। इसमें हो ये रहा है कि हमारे पास यहाँ पे आप देखें फर्स्ट स्टेप में क्या है कि ये दो बैक्टीरिया हैं हमारे पास, ठीक है, इन दो में से एक के अंदर हमारे पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा और इसके अंदर एक पिलाए भी है या पिलस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। होगा ये कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो पिलाए हैं ये या पिलस जो है ये एक ब्रिज बना देगा इन दोनों बैक्टीरिया के दरमियान में, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला है इस साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे जो बैक्टीरिया नज़र आ रहा है ये क्या है, ये डोनर है, और जो राइट साइड पे आपको बैक्टीरिया नज़र आ रहा है ये वाला, ये क्या है, ये रेसिपिएंट है, ठीक है, जिसको आप सेकंड स्टेप में यहाँ देख भी सकते हैं कि ये डोनर और ये रेसिपिएंट। अच्छा ब्रिज बनने के बाद क्या होता है, ब्रिज बनने के बाद यहाँ पे आप इसको ये जो ब्लू स्ट्रक्चर जिसे आप देख रहे हैं गोल दायरा, ये क्या है, प्लाज्मिड है। तो होगा ये कि जो प्लाज्मिड है ये ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में आप देख सकते हैं कि प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है रेसिपिएंट के अंदर, यहाँ पे आप देख लें कि रेसिपिएंट के अंदर भी प्लाज्मिड अब प्रेजेंट है। अब ये जो पिछला डोनर था ये तो डोनर था ही, अब क्या हुआ कि जो न्यू सेल था वो भी डोनर बन गया, बिकॉज इसके अंदर भी न्यू जो डीएनए है जो डोनर ने दिया वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रिकम्बिनेशन का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसडक्शन जो है ये भी आप कह लें कि रिप्रोडक्शन का ही एक तरीका है। इसके अंदर होता ये है कि एक थर्ड पार्टी हेल्प करती है रिप्रोडक्शन के स्टेप में या जेनेटिक रिकम्बिनेशन में एक थर्ड पार्टी हेल्प करती है, और वो थर्ड पार्टी क्या होती है, वो वायरस होता है। जब हमने बैक्टीरियोफेज का टॉपिक पढ़ा था अगर आपको याद हो, बैक्टीरियोफेज के अंदर हमने देखा था कि फेज जो है जो कि बेसिकली वायरस होता है वो क्या करता है कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर हो जाता है, और जैसे जैसे बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन होती है वो जो फेज वायरस है वो भी रिप्रोड्यूस करता है। अब फेज वायरस क्योंकि अटैकिंग होता है तो क्या करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को अटैक करता जाता है, और इस तरह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का नॉर्मल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। इसीलिए रिकम्बिनेशन जो है उसे हम देखते हैं कि ट्रांसडक्शन के फेज़ में वेरिएशन आ जाती है या रिकम्बिनेशन पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। इसको बल्कि हम डिफाइन भी कर देते हैं, ट्रांसडक्शन को हमने कहा कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी हेल्पिंग पार्टी है जो कि वायरस है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ट्रांसडक्शन को। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड रिकम्बिनेशन के तरीके को पे, जो के क्या है, जो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है अपने बाकी टू स्टेप्स से, बट होता इसके अंदर भी वही है, रिकम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा है जिसमें जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में होता ये है कि हम जानते हैं नॉर्मली जब बैक्टीरिया के अंदर, जब बैक्टीरिया की ग्रोथ के फेजेस थे हमने देखा था, एक डेथ फेज़ होता है, ठीक है, या जिसे हम डिक्लाइन फेज़ भी कहते हैं। उस फेज़ में क्या होता है कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, यानी कि बैक्टीरिया टूट फूट जाता होगा, मर जाता होगा, ठीक है, नॉर्मली इस तरह में आपसे ये कह सकते हैं। लेकिन वो जब डेथ हो जाती है तो बैक्टीरिया की बॉडी कहाँ जाती है, ठीक है, होता ये है कि बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो डिसॉल्व हो जाती है, टूट फूट जाती है, उसके सेल भी टूट जाता है, तो उसके अंदर पाया जाने वाला जो डीएनए है मोस्टली वो रिलीज़ हो जाता है, और वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बैक्टीरिया के साइड, बाकी सेल्स के साइड पे स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब वो जो फ्रेगमेंट्स हैं, समटाइम्स ऐसे होता है कि जो नॉर्मल लिविंग सेल्स हैं बैक्टीरिया के वो उन फ्रेगमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जब उन फ्रेगमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनके अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर तो डीएनए प्रेजेंट था, और अब न्यू डीएनए जब उनके अंदर आ जाएगा तो उनका डीएनए चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो चेंज आएगा उसकी वजह से हम उसे कहते हैं उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, और यही चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होती है कि हमने कहा इसको, बल्कि स्टेप वाइज हम इसको देखते जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि बैक्टीरिया जब डाई करता है, उससे क्या होगा कि इट रिलीजेस
डीएनए फ्रैगमेंट्स, ना सिर्फ बैक्टीरिया के डाई करने पे बल्कि समटाइम्स जब बहुत फ्रीक्वेंट रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, समटाइम्स जिन जिन बैक्टीरिया के अंदर जो जनरेशन टाइम है बहुत कम होगा तो उनमें रिप्रोडक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही होगी, जल्दी जल्दी हो रही होगी, उस केस में भी इसी तरह होता है कि डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में सेल के बाहर इर्द गिर्द पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो कुछ और नॉर्मल सेल जो हैं वो उन फ्रैगमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अब ये डीएनए फ्रैगमेंट्स जिन सेल ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं अब वो सेल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और वो सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सेल, ठीक है, नए सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, न्यू सेल टाइप बन जाएगी जिसे हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ये एक इमेज है मेरे पास, अगर आप इसके अंदर इसे देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को दिखाया जा रहा है कि ये वाला जो फर्स्ट बैक्टीरियल सेल है ये आप देख रहे हैं कि ये टूट रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है इसके फ्रैगमेंट्स बन गए हैं और वो इसी तरह से रिलीज हो रहे हैं। अब जिस जो दरमियान वाला बैक्टीरियल सेल है वो क्या कर रहा है कि वो इन फ्रैगमेंट्स में से एक फ्रैगमेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। जब इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या हुआ कि ये जो फ्रैगमेंट था वो इसके अपने डीएनए का हिस्सा बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ट्रांसफॉर्म्ड, अब ये सेल क्या है, ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म्ड क्यों हो गया है, इसमें क्या चेंज आई होगी, चेंज ये होगी कि हर बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको कलर के अंदर भी कलर्ड फॉर्म में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू था इसका डीएनए और यहाँ पे आपको एक रेड या पिंकिश सा डीएनए दिखाया गया है जो कि अब इसका हिस्सा बन गया। अब यहाँ पे होगा क्या कि डीएनए के अंदर या जीनेटिक जीन्स की जब हम बात करते हैं जो जीन्स के अंदर चेंजेस आ गए यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो जीन स्ट्रक्चर है या जीनोम जिसे हम कहते हैं, जीनोम, ठीक है, सेट ऑफ जीन्स, तो क्या है यहाँ पे जीनोम के अंदर चेंजेस आ गए हैं और ये जो चेंज है इसी को हमने कहा था कि हम कहते हैं रिकम्बिनेशन। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो गया कि जीन्स चेंज हो गई। अब नेक्स्ट जनरेशन में जब ये बैक्टीरियल सेल रिप्रोड्यूस करेगा, इवन अगर बाइनरी फिशन से भी रिप्रोड्यूस करे तो क्या होगा कि इसके जो डॉटर सेल्स हैं उन सब के अंदर ये न्यू जीन या ये न्यू जो डीएनए का पार्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन आ जाएगी जो कि हेल्प करेगी बैक्टीरिया को एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम रिप्रोडक्शन को देख रहे थे, हमने रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स पढ़ी, एक हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और दूसरा हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं अगर आप इसको फिगर के अंदर देखें यहाँ पे आपको कोई जेनेटिक चेंज नज़र नहीं आएगा, ठीक है, जो पेरेंट सेल था वो एग्जैक्टली उसी तरह रेप्लिकेट हुआ और उसी तरह से डॉटर सेल में चेंज डिवाइड हो गया या चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जेनेटिक चेंज नहीं आएगा, पेरेंट सेल जो है वो जो डॉटर सेल्स हैं वो आइडेंटिकल कॉपीज होंगे अपने पेरेंट सेल के। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमने कहा था कि रिकम्बिनेशन होगी। रिकम्बिनेशन में क्या होता है कि जो डीएनए है उसके अंदर या जीन्स के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, और वो चेंजेस क्या है, एक तो रिकम्बिनेशन और दूसरा म्यूटेशन का एक प्रोसेस है। इन दोनों प्रोसेस से क्या होगा कि जेनेटिक चेंज आएगा और जो जेनेटिक चेंज है यही हेल्प करता है आगे जाके एवोल्यूशन में। तो ये हमने देख लिया आज के टॉपिक के अंदर, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया।